9 न्यूज़ और मैं हूँ फराह खान। 8 अगस्त को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद को रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश देने का फैसला किया था। 41 मिनट के संबोधन में पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को तरक्की का ब्लूप्रिंट देश को जनता के सामने रखा था। इस दौरान उन्होंने हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम सहित कई भाषाओं से जुड़े फिल्म मेकर से एक अपील की थी और वो अपील क्या है चलिए इस रिपोर्ट में देख लीजिए। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने और जम्मू कश्मीर लद्दाख के रूप में केंद्र शासित राज्य की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार देश को संबोधित किया है। उन्होंने कहा जो सपना सरदार पटेल का था, बाबा साहेब अम्बेडकर का था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था, अटल जी और करोड़ों देशभक्तों का था, वो अब पूरा हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में लागू कई बड़े कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं थे जो यहाँ के लोगों के अधिकार से वंचित करता था। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश में कोई भी सरकार हो वो संसद में कानून बनाकर देश की भलाई के लिए काम करती है। किसी भी दल की सरकार हो, किसी भी गठबंधन की सरकार हो, ये कार्य निरंतर चलता रहता है। कानून बनाते समय काफी बहस होती है, काफी चिंतन मन होता है, उसकी आवश्यकता को लेकर गंभीर पक्ष भी रखे जाते हैं। उन्होंने इसके अलावा दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री के फिल्म मेकर से अपील भी की। उन्होंने कहा वो यहाँ आकर फिल्मों की शूटिंग करें और निवेश करें ताकि स्थानीय रोजगार में बढ़ावा हो सके। उन्होंने इसके अलावा इस दौर की भी बात की जब कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग लगभग बंद हो गई थी। पीएम मोदी ने कहा एक जमाना था जब बॉलीवुड की फिल्मों की शूटिंग कश्मीर में होती थी, उस दौर में शायद ही कोई ऐसी फिल्म होती थी जिसकी शूटिंग कश्मीर में नहीं होती थी। अब जम्मू कश्मीर में स्थितियां सामान्य होगी तो देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कई फिल्म मेकर्स कश्मीर में शूटिंग करने के लिए आ सकेंगे और इसके साथ ही साथ कश्मीर के लोगों के लिए रोजगार के अनेक मौका पैदा होंगे। उन्होंने कहा मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री और तमिल फिल्म इंडस्ट्री और इससे जुड़े लोगों से अपील करता हूं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में निवेश के बारे में फिल्म की शूटिंग से लेकर थिएटर्स और अन्य साधनों की स्थापना के बारे में ज़रूर सोचें और उस पर ध्यान दें। इसके अलावा उन्होंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 370 हटाने के बाद होने वाले तमाम फ़ायदों की भी चर्चा की। आपको बता दूँ इसके बाद एक्ट्रेस जूही चावला ने अपना रिएक्शन दिया। जूही ने ट्वीट करते हुए लिखा मैं दुआ करती हूँ कि मोदी जी की कही सारी बातें जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए सच हो जाएं। उनके नज़रिए और इरादे को मेरा सलाम। जूही के अलावा एक्टर और बीजेपी समर्थक अनुपम खेर ने भी पीएम मोदी के संबोधन को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मैं कश्मीर मुद्दे पर पीएम मोदी को सुन रहा था, वो वाकई दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक है। जी हाँ, तो ये था फिल्मी इंडस्ट्री का रिएक्शन। सच में पीएम मोदी के जज्बे को सलाम। उन्होंने इस तरह का मैसेज देकर कश्मीर को भी बता दिया है कि हम उनके साथ हैं और इतना ही नहीं उन्होंने ईद की शुभकामनाएं भी दी हैं। फराह खान, नेक्स्ट 9 न्यूज़। बस इतना ही नहीं, इस अपील के बाद पीएम मोदी ने देशवासियों को ईद की मुबारकबाद भी दी। उन्होंने मुबारकबाद देते हुए कहा ईद का मौका त्यौहार भी नज़दीक है, ईद के लिए मेरी ओर से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सरकार इस बात का ध्यान रख रही है कि जम्मू कश्मीर में ईद मनाने में लोगों को कोई परेशानी ना हो। हमारा जो साथी जम्मू कश्मीर से बाहर रहते हैं और ईद पर अपने घर वापस जाना चाहते हैं उनको भी सरकार की हर मदद मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी, बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।